इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा डाइटिंग पैटर्न है जो हमारी वजन घटाने में काफ़ी हेल्प करता है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद भी उनका जो वजन है वो कम नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आप IF कर रहे हो लेकिन आपका वजन कम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये समझो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, किस तरीके से हम इसे फॉलो करना है और कौन कौन सी गलतियाँ हम कर बैठते हैं जिसकी वजह से हम इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो तो करते हैं लेकिन उसके हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इंटरमिटेंट फास्टिंग को हम पूरी तरह से समझेंगे और साथ ही साथ मैं आपको 4 ऐसे कारण बताऊंगी जिसकी वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद भी जो आपका वजन है वो कम नहीं हो पाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। वेलकम टू माई चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं होती जिसमें आपको कार्ब, प्रोटीन या फैट्स का कुछ ऐसे स्पेशली ध्यान रखना हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे एक डाइटिंग पैटर्न है जिसमें आप जो है अपना एक शेड्यूल सेट कर लेते हो कि इतना टाइम हमें खाना खाना है और इतने टाइम हमें जो है व्रत करना है, फास्टिंग करनी है, यानी कि हमें कुछ भी नहीं खाना है। अब इसके बहुत सारे ऐसे शेड्यूल हैं जिसके हिसाब से आप इसको फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आप इसको 14:10 ले सकते हो, 12:12 ले सकते हो, 16:8 ले सकते हो, या किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। कुछ लोग इसको जो है वीकली फॉलो करते हैं कि 3 दिन आप अपने हिसाब से खाना खाइए, फिर 2 दिन आप फास्ट रखिए, फिर 3 दिन आप अपने हिसाब से खाना खाइए। इस तरीके से बहुत तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे फेमस जो डाइटिंग पैटर्न है दैट इज 16:8 क्या है? 16:8 में आपको 16 घंटे तक व्रत करना होता है, फास्टिंग करनी होती है और जो 8 आवर्स की हमारी विंडो होती है इसमें हमें खाना खाना होता है। इसमें आपको कैलोरीज का तो ज़रूर ध्यान रखना होता है कि जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायर्ड कैलोरी है आप उतने ही कैलोरी खाओ। ओवर ईटिंग से आप परहेज करो या डाइटिंग के जो भी बेसिक रूल्स होते हैं जैसे कि हमें फ्राइड जंक या जो है बाहर का ज़्यादा खाना, तला भुना खाना, वो सब हमें नहीं खाना है, वो रूल्स तो फॉलो करने ही करने होते हैं। साथ ही साथ इसमें टाइमिंग जो है बहुत ही ज़रूरी पार्ट प्ले करता है कि आपको कितना देर खाना खाना है और कितना देर खाना नहीं खाना है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो है बिल्कुल बेसिक है जो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा। अब बात आती है कि हम गलती कहाँ करते हैं। सो फ्रेंड्स, 1 by 1 हम ये रीज़न देख लेते हैं कि किस वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो वर्क नहीं करती है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो होती है सडन इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर देना, और वो भी 16:8 वाले अगर आप शेड्यूल से स्टार्ट कर रहे हो तो कई बार होता है कि आप इसको फॉलो नहीं कर पाते हो या आपको इसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। रिजल्ट मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, अभी तो हम अपना बेसिक एक लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं जिसमें हम कभी भी खाना खा रहे हैं, कभी भी हम खाना छोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कोई भी हमारा शेड्यूल नहीं है। अब सडनली आप एक हार्ड एंड फास्ट डाइटिंग पैटर्न अपनी बॉडी पे एकदम इम्पोज कर देते हो कि भैया कल से हमें ये चीज़ करनी है कि हमें 16 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। बॉडी इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। आप अचानक से अगर 16:8 फॉलो करोगे तो क्वाइट पॉसिबल कि आप इसको लॉन्ग टर्म में आप इसको फॉलो ना कर सको। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए 12:12 से, यानी कि आप 12 घंटे खाना खाइए और 12 घंटे का व्रत कीजिए। इसके लिए आप अपना दिन सुबह 7 बजे या 8 बजे शुरू कर सकते हो और शाम को 8 बजे आप ख़त्म कर सकते हो। यानी कि सुबह को आप 8 बजे ब्रेकफास्ट लीजिए और रात का जो भी आपका लास्ट मील है वो आप 8 बजे खा के शाम को ख़त्म कर दीजिए और फिर रात से 8 से सुबह के 8 तक आप फास्ट कीजिए। इस तरीके से आप स्टार्ट कीजिए। जब धीरे धीरे आपकी बॉडी को इस पैटर्न की आदत हो जाए तो 1 वीक के बाद या 15 दिन के बाद जब आप आराम से इसको फॉलो करने लग जाएं, आपको इसमें कोई मुश्किल दिखाई देनी बंद हो जाए, फिर आप इसको बढ़ा के 14:10 में ले आइए। यानी कि 14 आवर्स का आप फास्ट कीजिए और 10 आवर्स तक आप जो अपनी ईटिंग विंडो रखिए जिसमें आप कुछ भी खा सकते हो, जो भी आप पसंद करते हो, लेकिन कैलरीज का ध्यान रखते हुए। और कोशिश कीजिए कि आप जो भी खाना खा रहे हो अपनी ईटिंग विंडो में वो हेल्दी हो, होममेड फूड हो, जंक फूड ना हो, या फ्राइड फूड जो मैंने आपको बताया जो बेसिक डाइटिंग टिप्स हैं वो आपको फॉलो करनी ही है अगर आप सचमुच अपना वजन कम करना चाहते हो और अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैरी करना चाहते हो। 14:10 में भी आपको यही करना है, कुछ दिन आपको इसको फॉलो करना है, जब आपको लगे कि आप इजीली फॉलो कर पा रहे हो उसके बाद आपको 16:8 पे आना है। स्टार्टिंग में ही आपको 16:8 नहीं लेके आना है। तो सबसे पहली गलती हम यही करते हैं कि डायरेक्ट हम 16:8 में जंप लगा देते हैं, उसको लॉन्ग टर्म में हमें कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग वहीं पे बंद हो जाती है। जो हमारा IF बंद हो गया है, जो हम डाइटिंग पैटर्न फॉलो करना चाह रहे हैं उसी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो वेट लॉस कहाँ से होगा, पहली चीज़। दूसरा इसका रीज़न होता है कि जब हम अपनी फास्टिंग विंडो में होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है हमें क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी है। कुछ लोग अपनी फास्टिंग विंडो में दूध, दही, छाछ सब कुछ लेते हैं। आप लिक्विड ले सकते हो लेकिन लिक्विड में आपको वो लिक्विड लेने हैं जो आपके 0 कैलोरीज वाले हैं या जिसमें कैलोरीज बहुत कम हैं। जैसे कि आप इसमें अजवाइन का पानी ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो या ग्रीन टी ले सकते हो,
ये चीज़ें आप ले सकते हो, बाकी दूध दही जूसेस फ्रूट जूस ये सारी चीज़ें आप नहीं ले सकते हो। अगर आप अपनी फास्टिंग विंडो में हो तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप सिर्फ वही चीज़ें आप लीजिए। पानी आप कितना भी पी सकते हो, चाहे आपकी फास्टिंग विंडो हो चाहे आपकी ईटिंग विंडो हो, पानी आप कितना भी पी लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे तो आप गर्म पानी पियो, अजवाइन का पानी पियो, जीरे का पानी पियो या और कोई भी जो डिटॉक्स ड्रिंक है या वेट लॉस ड्रिंक है आप ले सकते हो। उसमें किसी भी तरह का आप शुगर हनी इस तरह का कुछ भी आप मीठा आइटम उसमें ऐड मत कीजिए, क्योंकि इन सब में कैलोरीज होती है और फास्टिंग विंडो का मतलब है कि इतने टाइम में हमें कोई भी कैलोरी का इंटेक नहीं करना है। तो दूसरी गलती हम यही करते हैं कि हमें फास्टिंग विंडो में क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका हमें सही से पता नहीं होता है। तीसरी गलती हम करते हैं स्टार्व टू अवरसेल्फ, हम अपने आप को बिल्कुल भूखा मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है। अगर आपका फास्टिंग विंडो चल रहा है लेकिन आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कि आपको कुछ खा लेना चाहिए, आपको अगर हंगर फील हो रही है भूख लग रही है तो प्लीज़ ऐसा मत करो कि आप स्टार्व करने लग जाओ, क्योंकि जब हमारी बॉडी स्टार्व मोड में आ जाती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है और जैसे जैसे हमारा मेटाबॉलिक रेट डाउन होगा हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं उसका ना ही तो हमें पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और ना ही जो है हमारा वेट लॉस होगा। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आप स्टार्विंग जैसा फील कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर खा लो, चाहे वो फिर नींबू पानी हो या आप कोई साइट्रिक फ्रूट खा सकते हो, जैसे कि आप संतरा खा सकते हो, मौसमी खा सकते हो, इस तरह के जो लाइट फ्रूट हैं जिनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, साइट्रिक एसिड होता है, वो फ्रूट आप आराम से खा सकते हो, लेकिन तभी खाना है जब बहुत ज़्यादा आपको भूख लगे। तो कई बार हम खुद को स्टार्व करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमारा वेट लॉस नहीं होता है। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ रीजन की जिसकी वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने के बाद भी हमारा वजन कम नहीं होता है, दैट इज लैक ऑफ वाटर। अगर आप सही अमाउंट में पानी नहीं पियोगे तभी भी आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि जो वाटर होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें फुलफिल कराने के लिए, जिसकी वजह से हमें किसी भी तरह की कोई हंगर फील नहीं होती है, जो हम स्टार्विंग मोड पे आ जाते हैं वो हमें फील नहीं होता है। तो आप पानी सही मात्रा में पीजिए जिससे आप ओवरईटिंग से आराम से बच सको। तो आप पानी सही मात्रा में पीजिए, जब हम कम पानी पीते हैं तो हमें बार बार भूख लगती है, हमारा डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होता है। अगर आप दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीते हो तो अपना खाना भी कम खाते हो और जो भी खाना आप खाते हो वो डाइजेस्ट बहुत अच्छे से हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी सही रहता है और हमें बार बार भूख भी नहीं लगती है। सो फ्रेंड्स अगर आप इन चारों चीज़ों का ध्यान रखते हुए इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका वजन ज़रूर कम होगा। बस किसी भी चीज़ के लिए अपनी बॉडी को आपको फोर्स नहीं करना है। आपको भूख लग रही है, आप खुद को स्टार्व कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। आप जो है किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ज़बरदस्ती आप फॉलो कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। कोई भी डाइट या डाइटिंग पैटर्न फॉलो करते हुए अपनी बॉडी की ज़रूर सुनिए, जैसा आपकी बॉडी आपको डिमांड करती है उन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिए। इस टॉपिक पे अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के हेल्थ फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।